तो दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आ गए हैं। तो अगला सवाल जो हमारा ये है कि एक स्विमिंग पूल है जिसमें तीन पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं और पूल को भर रहे हैं और तीसरा अकेला कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए सेम टाइम, तो जितना टाइम वो दो को एक साथ लगता है ये थर्ड वाला अकेले उतना कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो सेकंड पाइप है वो पूल को भरता है कितने टाइम में, 5 घंटे फास्टर देन पहले पाइप के। मतलब अगर मान लीजिए पहला पाइप 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा तो पाइप कितना कितना घंटे भर गया, 4 + 5 9 घंटे में, और 4 घंटे स्लोअर देन थर्ड पाइप। तो मान लीजिए अगर ये जैसे कि मान लीजिए थर्ड पाइप जो हमारा है वो थर्ड पाइप अगर 9 घंटे में भर रहा है इस चीज़ को, तो ये कितने भर स्लो भर रहा है, तो मतलब स्लो भरने का मतलब क्या, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 9 में 4 ऐड कर देंगे तो मतलब 13 घंटा वो भरेगा वो। तो उसी चीज़ को हम लोग को करना है दोस्तों। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो सेकेंड पाइप है, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है, एक्स टाइम, ठीक है। तो मान ली हमने जब सेकेंड ये लेता है, तो जो फर्स्ट पाइप है वो कितना लेगा, x+5, है ना। देखिए ये क्या कर रहा है, जो सेकेंड पाइप है यहाँ पे फिल्स 5 आवर्स फास्टर, मतलब इससे 5 घंटे ज़्यादा जल्दी भर दे रहा है। तो यही ना हुआ कि तो जल्दी ये भर रहा है तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए x+5 हो गया। अब अगले में वो स्लो कर रहा है, 4 घंटे स्लो भरते हैं, तो थर्ड का कितना होगा अगर सेकंड के हिसाब से निकालेंगे तो x-4 हो गया, ठीक है। तो अब x आवर में ये भरता है, ये x+5 5 आवर में ये, तो एक एक घंटे में कितना भरेगा, ये जो फर्स्ट वाला है वो कितना भरेगा, 1 घंटे में x+5, और थर्ड वाला कितना भरेगा, x-4। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सेम टाइम लिखा हुआ था, जो पहला और दूसरा का जो टाइम लगता है वो तीसरा से कम लगता है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड ये भरा, तो फर्स्ट और सेकंड एक साथ मिलकर इतना देर में भरते हैं तो उतना देर में 3 भर तीसरा भर देता है। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि एक घंटा में जितना दोनों भरेगा वो किसके बराबर होगा, तीसरे के। तो तीसरा 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x-4। तो यहाँ से फिर आप एलसीएम लीजिए, सब कुछ करिए, एक्स का वैल्यू आएगा आपका 10, ठीक है। ये सॉल्यूशंस आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाले चीज़ जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कॉपी में बैठ के सॉल्व करने हैं, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं कि जो 1 घंटे में हम क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो सेकेंड पाइप और थर्ड पाइप एक साथ कितना जल्दी कितने में भरेगा। तो अब ये सेकेंड पाइप x घंटे में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। थर्ड पाइप कितना भरेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पूछे ना, सेकेंड एंड थर्ड पूछे, सॉरी, तो सेकेंड और थर्ड कितना हो गया, 1/x-4। तो अगर आप 10 का वैल्यू पुट करिएगा तो आएगा 1/10, और 10-4 कितना होता है, 1/6। तो आप इसको करिए, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका एलसीएम, आएगा आपका 30, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 5, तो आ गया 8/30, मतलब 4/15। तो ये कितना कर रहा है, ये 1 घंटे में इसने भरा है पूरा। तो पूरा भरने में कितना लगेगा, जस्ट उल्टा, मतलब इसका टाइम कितना हो गया, 15/4। तो अगर आप इसको डिवाइड करिएगा आगे पीछे ऊपर करके तो आएगा 3.75 आवर्स दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए पहला इसके पहले क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है ना, तो उसी हिसाब से करिए आप, समझ जाइए कैसे करना है इसको, बस उतना ही है, समझ जाइएगा तो तुरंत हो जाएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।